दोस्तों आईपीएल 2023 के लिए अभी से ही टीमों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 5 काफी बड़े प्लेयर्स का नाम और उनकी नई टीमों के बारे में बताएंगे जो कि ऑक्शन में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बिक सकते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जोड़ देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जोड़ करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन 5 काफी बड़े प्लेयर्स का नाम और उनकी नई आईपीएल टीम के बारे में बता देते हैं। तो इस लिस्ट के पहले बड़े प्लेयर है कैरन पोलार्ड, जिनको मुंबई इंडियंस की टीम अपने स्क्वाड से रिलीज कर देगी। तो ऐसे में पोलार्ड के ऊपर ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट की टीम बिडिंग करेगी, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट को विदेशी ऑलराउंडर की तलाश है। तो हाईली चांस है कि यह टीम ऑक्शन में पोलार्ड को अपने स्क्वाड में शामिल कर ले। इसके बाद इस लिस्ट के दूसरे और सबसे बड़े प्लेयर है रविंद्र जडेजा, जिनका चेन्नई की टीम से बाहर आना तय हो चुका है और जडेजा ऑक्शन का पार्ट बनेंगे। तो इस प्लेयर को वैसे तो सभी 10 टीमें ऑक्शन में टारगेट करेगी, लेकिन मुख्य रूप से गुजरात टाइटंस और आरसीबी की टीम इस प्लेयर को टारगेट करेगी और आरसीबी तो खास तौर पर टारगेट करेगी क्योंकि आरसीबी को इंडियन ऑलराउंडर की तलाश है। इसके बाद इस लिस्ट के तीसरे बड़े प्लेयर हैं निकोलस पूरन, जो कि करेंटली हैदराबाद की टीम में है, लेकिन हाई प्राइस मनी के चलते पूरन को हैदराबाद की टीम अपने स्क्वाड से बाहर कर देगी। तो ऐसे में पूरन ऑक्शन का पार्ट बनेंगे और पूरन को ऑक्शन में आरसीबी गुजरात दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीमें टारगेट करती हुई नजर आने वाली है। इसके बाद इस लिस्ट के चौथे बड़े प्लेयर हैं इंग्लैंड के कैप्टन यानी कि बेन स्टोक्स, और बेन स्टोक्स भी ऑक्शन का पार्ट बनेंगे। तो बेन स्टोक्स के ऊपर लगभग सभी 10 टीमें टारगेट करती हुई नजर आने वाली है, लेकिन हाईली चांस है कि इनकी पुरानी टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स इनको ऑक्शन में खरीद ले, क्योंकि राजस्थान को ऑलराउंडर की तलाश है। इसके साथ ही पंजाब किंग्स की टीम भी बेन स्टोक्स को ऑक्शन में परचेज करके अपने टीम का नया कप्तान बनाना चाहेगी। तो स्टोक्स के ऊपर राजस्थान और पंजाब के बीच तगड़ी बिडिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद इस लिस्ट के पांचवे और अंतिम प्लेयर हैं इंग्लैंड के सुपरस्टार ऑलराउंडर यानी कि सैम करन, जो कि ऑक्शन का पार्ट बनने वाले हैं। तो सैम करन के ऊपर ऑक्शन में इनकी पुरानी टीम यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टारगेट करेगी, क्योंकि सैम करन पहले भी चेन्नई की टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं। तो इसी वजह से चेन्नई की टीम चाहती है कि सैम करन को वापस अपने स्क्वाड में लाया जाए और चेन्नई की टीम इस प्लेयर को इसलिए भी टारगेट करेगी क्योंकि चेन्नई से जडेजा बाहर होने वाले हैं। तो इसी वजह से उनकी भरपाई के लिए ये टीम ऑक्शन में सैम करन के ऊपर बिडिंग करेगी। तो यही था ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले 5 काफी बड़े प्लेयर्स का नाम और उनकी प्रेडिक्टेड आईपीएल टीम। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।